नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। एक और 11 आपके साथ मैं नेहा बात हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। तो सीबीआई का पूछताछ का आज 7वां दिन है। शौविक जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई है, उनके घर पहुंची है सीबीआई की टीम। इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। इससे पहले हमें आपको तस्वीरें भी वो दिखाई जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा शौविक चक्रवर्ती, लेकिन उसके बाद सीबीआई की टीम उसे लेकर रवाना हुई। कयास ये लग रहे थे कि कहां ले जाया जा रहा है शौविक चक्रवर्ती को, तो अब तस्वीर साफ हो गई है। दरअसल रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची है सीबीआई की टीम, हालांकि शौविक साथ में है। अब देखिए शौविक की भूमिका अगर आप देखें तो जिस तरह से ड्रग्स कनेक्शन सामने आया और उसमें जो व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती ने डिलीट किए थे, जब वो रिट्रीव किया गया तो उनमें उसी बातचीत में जिक्र शौविक चक्रवर्ती के नाम का भी आया था। अब सीबीआई धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती के परिवार तक पहुंच रही है। यहां पर शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है और दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ने समन किया है रिया चक्रवर्ती के पिता को। घर से फिर डीआरडीओ वापस लाया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। 7वां दिन है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं हुई थी, जो कि मुख्य आरोपी है जिनके खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर कराई है। और इसीलिए लगातार ये कयास लग रहे थे कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब करेगी, तो लिहाजा सीबीआई यहां पर अपनी पूरी तैयारी करते हुए पहले सीबीआई इस पूरे केस को समझ लेना चाहती है, हर उस शख्स से पूछताछ कर लेना चाहती है जो किसी भी तरह से मामले से जुड़ा हुआ है। और अब इसमें नंबर आया है शौविक चक्रवर्ती का, लेकिन घर से फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस वापस लाया गया है शौविक चक्रवर्ती को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें उस वक्त की जब शौविक चक्रवर्ती के साथ सीबीआई की टीम और लगातार शिकंजा कसता जा रहा है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर, क्योंकि शौविक काफी करीबी बताए जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के। एक कंपनी भी बनाई गई थी जिसमें शौविक बराबरी के हिस्सेदार थे, ये बात रिया ने खुद मानी है। रिया ने इंटरव्यू जो कि आज तक को दिया गया है उसमें ये कहा है कि शौविक इक्वल पार्टनर थे इस कंपनी में और शौविक ही वो शख्स थे जो यूरोप टूर में रिया और सुशांत के साथ गए थे। कई चीज़ों में वो राजदार हो सकते हैं, इसीलिए लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। पहले उन्हें डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया गया, उसके बाद घर ले गई सीबीआई की टीम और एक बार फिर से वापस गेस्ट हाउस ये टीम पहुँच चुकी है। कई व्हाट्सएप मैसेजेस इसमें शौविक का भी जिक्र है, कई ऐसे फोटोग्राफ्स हैं सुशांत सिंह राजपूत के जिसमें शौविक भी मौजूद हैं। ऐसे में जो तमाम बातें कही जा रही हैं शौविक की करीबी होने की, वो जाहिर तौर पर सीबीआई के कई सवालों को खड़ा करती हैं और यही सवाल करने के लिए शौविक से पूछताछ की जा रही है। सुबह से ही ये पूछताछ चल रही है और अब रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची सीबीआई की टीम, साथ में भाई शौविक चक्रवर्ती भी मौजूद है। शौविक चक्रवर्ती, दरअसल आपको याद होगा कि यूरोप टूर जो हुआ था, यूरोप घूमने गए थे सुशांत चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, शौविक भी उनके साथ मौजूद था। और इसी को लेकर जब आज तक ने खास बात की है रिया चक्रवर्ती से तो सवाल भी पूछा था। और दरअसल रिया चक्रवर्ती का ये कहना था कि यूरोप टूर ही वो पहला ऐसा वक्त था जब उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के मानसिक बीमारी के बारे में पता चला, जो कि रिया लगातार कह रही हैं। और शौविक भी देखिए उस टूर में साथ था। हमारे साथ विद्या इस वक्त मौजूद है रिया चक्रवर्ती के घर से। विद्या, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? सीबीआई की टीम पहले शौविक को लेकर वहां पहुंची है, फिर वापस लौट आई है, क्या कुछ घर से सामान लिया गया है, क्या हुआ वहां पर? जी, उस गाड़ी में जो गाड़ी आई थी उसमें शौविक के पिता थे, रिया के पिता थे, जो इस वक्त जो पास का ही पुलिस स्टेशन है वहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ पर फिलहाल कोई टीम नहीं है सीबीआई की। जो हमें बताया यही जा रहा है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पे, मुंबई पुलिस के एक अधिकारी आए थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया था जब वो गाड़ी आई थी। कह रही हैं कि शौविक को नहीं लाया निकल के, क्या आप ये कह रही हैं कि शौविक नहीं थे पिता यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, वो जो लाए गए थे, जो गाड़ी आई थी उसमें शौविक नहीं, शौविक के पिता थे। और आप अभी देख लीजिए घर के अंदर बिल्कुल शांति पसरी हुई है। जो कुछ लोग हैं यहाँ पे वो थोड़े बस परेशान हो गए थे, क्योंकि पूरी जैसी गाड़ी घुसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया था। तो जो सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पे चौकीदारों को बुला के इन्होंने डांट वांट पिलाई, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हालत यही है कि मुंबई पुलिस के जो अधिकारी आए थे उनसे भी मीडिया के लोग भिड़ गए और उसके बाद वो लोग भी वापस चले गए, लेकिन यहाँ पर सीबीआई की टीम इस वक्त नहीं है।
चलिए विद्या, यहाँ पर ये एक क्लैरिफिकेशन दे रही है, एक तस्वीर साफ कर रही है, तो हम भी इस बात को अपडेट यहाँ पर करना चाहेंगे। दरअसल वहां पर अचानक ऐसा अफरा तफरी का माहौल हो गया कि तस्वीर साफ नहीं हो पाई, लेकिन शौविक को नहीं लाया गया है, ये एक अपडेट नया हम यहाँ पर देना चाहेंगे। बिल्कुल, और शौविक के पिता को लाया गया इस बिल्डिंग में। हालांकि पहले ये खबर आ रही थी कि शौविक को वापस घर लाया गया, उसके बाद दोबारा गेस्ट हाउस ले जाया गया, लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, दरअसल सीबीआई की टीम इस पूरे परिसर में दाखिल हुई, वहां पर अफरा तफरी का माहौल था, और जाहिर तौर पर जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, उन्होंने आपत्ति भी दर्ज की, क्योंकि लगातार वहां पर मीडिया का जमावड़ा बना हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि कब रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जाएगा, कब उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि रिया इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी है, वही राजदार है, वही कई अहम ऐसी बातें जानती है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो और कोई नहीं जानता, और उस पूरी कड़ी में कहीं ना कहीं उनके भाई भी जुड़ते हैं, क्योंकि उनका भी नाता लंबे वक्त तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहा, और कई ऐसे राज हैं जो सीबीआई जान सकती है शौविक चक्रवर्ती से। विद्या लगातार बनी हुई है हमारे साथ। विद्या, इंद्रजीत चक्रवर्ती को लेकर जरा और डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, फिलहाल ये गाड़ी डीआरडीओ से निकली थी जिसमें इंद्रजीत थे, जैसा बताया जा रहा है सीबीआई के सूत्रों के द्वारा कि कुछ जानकारी उन्हें देनी थी सीबीआई के अधिकारियों को, इसकी वजह से वो यहाँ आए थे घर पे कुछ कागजात लेने के लिए, कुछ अपने कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उसके बाद वो क्योंकि जैसे ही उनकी गाड़ी अंदर घुसी, मीडिया के लोग भी घुस गए, एकदम एक कह लीजिए इतना हंगामा मच गया कि वो गाड़ी से उतर ही नहीं पाए। गाड़ी वो घुमा के वो दूसरे जो पास के ही खार पुलिस स्टेशन है, सांडा क्रूज पुलिस स्टेशन है, वहाँ गए हैं और वहाँ पर वो उतरे हैं। तब तक उन्होंने शायद पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था, क्योंकि मुंबई पुलिस के अधिकारी जो पास का ही पुलिस स्टेशन है वहाँ से आए और यहाँ पर इंश्योर करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ हंगामा ना हो, लेकिन उनको भी भागना पड़ा यहाँ से। फिलहाल तो हालत इस वक्त ये है कि सीबीआई के अधिकारी पूछताछ परिवार से जरूर कर रहे हैं, जानकारी लेने की इकट्ठा कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी इस वक्त नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि उन्हें यहाँ परिवार के लोगों से भी पूछताछ करनी है और कुछ जरूरी कागजात भी चाहिए। दस्तावेज मांगे गए इंद्रजीत चक्रवर्ती से, जो दस्तावेज मांगे गए वो क्या जो इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है उसके सिलसिले में थे? जी बिल्कुल, दोनों ईडी फाइनेंशियल एंगल से जो पूछताछ कर रही है उसकी वजह से कागजात जो उन्हें देने हैं वही लेने के लिए परिवार के सदस्य यहां आए थे, लेकिन क्योंकि यहां पर वो उतर नहीं पाए, इसकी वजह से ये कुछ गाड़ी से क्योंकि उतर नहीं पाए तो इसकी वजह से वो जो ज़रूरी कागजात थे उनके हाथ नहीं लग पाए हैं, तो वापस ज़रूर आएंगे ऐसी आशा है, और क्योंकि उन्हें वो कागजात देने हैं जांच अधिकारियों को, तो वो लेने के लिए आएंगे ज़रूर, लेकिन शायद इस बार पुलिस की प्रोटेक्शन को लेकर लौटेंगे आपके पास। विद्या, हमारे संवाददाता मुस्तफ़ा शेख इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से जुड़ गए हैं। मुस्तफ़ा, वहाँ पर क्या हलचल है इस वक्त, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है, अभी वो अंदर मौजूद है, पूछताछ की जा रही है या उन्हें कहीं और ले जाया गया, इस बारे में क्लैरिफिकेशन चाहेंगे आप। जी बिल्कुल, इस थोड़ी देर में हम आपको ये क्लेरिफिकेशन दे पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो जानकारी हमें हासिल हो रही है, शौविक चक्रवर्ती को यहाँ से सुबह में अंदर जाते हुए देखा गया था, उनकी पूछताछ की जानी थी आज, जिसके बाद जो दो लोग हैं नीरज सिंह और केशव बचनेर, जो हाउस हेल्प थे सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, वो भी अंदर मौजूद है। शौविक के बारे में क्लैरिटी थोड़ी देर में मिल पाएगी, लेकिन आज सीबीआई उनके साथ जाँच कर रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। शौविक चक्रवर्ती को आज सीबीआई ने बुलाया है, वो पहले सदस्य है चक्रवर्ती फैमिली के जिससे सीबीआई ने क्वेश्चनिंग की शुरुआत कर दी है। एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आप सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में इस चीज को मान सकते हैं, क्योंकि पहले दिन से ये सवाल किए जा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को क्वेश्चनिंग के लिए कब बुलाया जाएगा। हम ये कह सकते हैं ये जल्द ही होगा, क्योंकि अब तरह तरह के आप कह सकते हैं अंदेश सीबीआई दे रही है कि फाइनेंशियल डीलिंग्स पर उन्होंने अब अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया है, उस एंगल पे इन्वेस्टिगेट शुरू करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर में या शाम तक ये डिटेल भी आएगी कि शौविक चक्रवर्ती से क्या सवाल पूछे गए, उनका इस पर क्या जवाब था। मुस्तफ़ा, ये बताइए अभी डीआरडीओ में भीतर कौन कौन मौजूद है जिनसे पूछताछ हो रही है या जो जाँच के दायरे में है?
जी बिल्कुल, तीन लोग जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं सुबह से, वो शौविक चक्रवर्ती है, नीरज सिंह है और केशव बचने। ये तीन लोग आइडेंटिफाई हो पाए हैं जो सुबह से अंदर गए हैं। एक से दो और लोग हो सकते हैं क्योंकि अक्सर कोविड के चलते भी लोग मास्क पहने होते हैं। कोई नया चेहरा इस केस में निकल कर सामने आता है तो गाड़ी के गुजरने में उसे कभी कभी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। बिना कन्फर्म किए हम ये चीज नहीं चलाना चाहते। कुछ और लोग इन तीन लोगों से ज्यादा हो सकते हैं जिन्हें आज सीबीआई ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया हो, लेकिन इस वक्त तीन लोग हैं जो आइडेंटिफाइड हैं। शौविक चक्रवर्ती है, केशव है, नीरज है। नीरज और केशव से काफी दिनों से पूछताछ चल रही है। कल सिद्धार्थ पिठानी रोकना चाहेंगे आपको मुस्तफा में। सहयोगी शम्स ताहिर खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्स, ये खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती के पिता से लॉकर की चाबी मांगी गई, इसी वजह से उन्हें ले जाया गया घर। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ईडी ने समन भेजा था, ये अलग बात है। एक दूसरा, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में इस वक्त उनके होने की खबर है, जो इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, रिया के फादर। ईडी की जांच अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है यहाँ पे नेहा, तो इसलिए ईडी कंटिन्यू अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और उनके पास जैसे जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ क्रॉस एग्जामिन करना होता है तो वो कभी भी समन कर सकते हैं और उन्होंने बता रखा है। लेकिन आज अहम बात ये है, दो चीज़ें। एक, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आज तक पर, जिसमें वो अपनी तमाम सफाई दे रही हैं, और 7 दिन बाद जब ये इंटरव्यू है उसी के फौरन बाद पहली घर से जो है शौविक चक्रवर्ती, जो उनके भाई हैं, सीबीआई की टीम उनको बुला लेती है। उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती के फादर को बुला लेती है। तो अब घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो अब क्या हम लोग इसको इस इंटरव्यू के साथ भी जोड़कर देखें कि अभी तक 7 दिन में सीबीआई ने बुलाया नहीं, लेकिन उससे पहले आज तक ने पूछताछ कर ली रिया चक्रवर्ती से, तो अब आओ शुरुआत ही करते हैं। लेकिन ये होना था, देर सवेर तो होना है। शौविक चक्रवर्ती की जहाँ तक सीबीआई ने बुलाया, पूछताछ करनी है। रिया और सुशांत के रिलेशनशिप, रिया और सुशांत और शौविक की कंपनी, रिया सुशांत और शौविक के बारे में जो ड्रग्स की बातें हो रही है, ये सारे खुलासे बहुत अहम हैं। और इन सारे खुलासों में शौविक चक्रवर्ती का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि शौविक हर वो चीज़ जानता है। रिया ने अपने इंटरव्यू में जैसे कहा था कि सुशांत शौविक से भी उतना ही प्यार करता था, बल्कि वो तो शौविक को अपना कई बार सौतन भी मानती थी। तो ये सारी पूछताछ एक ग्राउंड तैयार करेगा रिया चक्रवर्ती से, जब पूछताछ होगी उसके लिए। लेकिन उससे पहले सीबीआई चाहती है कि शौविक चक्रवर्ती के जरिए सुशांत की फाइनेंशियल, सुशांत के रिलेशनशिप, सुशांत के ड्रग्स, सुशांत की बीमारी, उनका इलाज, उनकी दवाएं, ये सारी जानकारी उसके जरिए हासिल की जाए। शम्स, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगी, क्योंकि बीते 6 दिन का जो इन्वेस्टिगेशन रहा, 7वां दिन है। नीरज वो शख्स है जिससे लगातार पूछताछ हुई है, मैराथन पूछताछ हुई है। नीरज का अपना कैरेक्टर, उसकी अपनी पर्सनालिटी और जिस तरह से वो सीबीआई के रडार पर है, गवाह के तौर पर पूछताछ हो रही है, सस्पेक्ट के तौर पर पूछताछ हो रही है। देखिए, शुरुआत हुई है इन चारों से गवाह के तौर पर पूछताछ, क्योंकि ये विटनेस है। एफआईआर के अगर हिसाब से हम चलें, लीगल दस्तावेज के हिसाब से, तो इनमें से कोई अक्यूज नहीं है, ना सिद्धार्थ पिठानी है, ना नीरज है, ना केशव है, ना दीपेश है, बल्कि ये वो लोग हैं जो सुशांत के घर में मौजूद थे, सुशांत की मौत के चश्मदीद गवाह हैं, सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखा, सुशांत को सबसे पहले मुर्दा देखा। तो ये, और दूसरी बात, जब रिया वहाँ रही, रिया के साथ रिश्तों को देखा, बिगड़ते रिश्ते देखे, बनते रिश्ते देखे, तो उनके जरिए घर के हर राज यही चार बता सकते हैं। तो अभी तक इनसे जो सारी पूछताछ हो रही है वो एक प्राइम विटनेस, गवाह के तौर पर पूछताछ हो रही है। लेकिन इस पूछताछ में जैसे जैसे कुछ चीज़ें, अगर साजिश है तो साजिश की परतें खुलेंगी। तो फिर कई ऐसे केस में हुए हैं जहां पे प्राइम विटनेस और गवाह बाद में वो खुद अक्यूज बन गए, आरोपी बन गए। तो यहां अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन 7 दिन से लगातार सीबीआई आपके पास मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़े हुए। मुस्तफा, क्या अपडेट देना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले सुशांत सिंह राजपूत का जो मॉम ब्लैक घर है, वहां पर जो वॉचमैन है, वो वॉचमैन अभी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर गए हैं। ये दूसरी मरतबा है जब उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। अंदर के डीआरडीओ गेस्ट हाउस के विजुअल्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो विजुअल्स मिल सके जहां पर कार से ये वॉचमैन जो है ये उतरे हैं। आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई इनका जो वॉचमैन है उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, ताकि जो दूसरे एविडेंसेस हैं या दूसरी बातें जो पता कर सकती है सीबीआई, या फिर केशव बचनेर की तरफ से, नीरज की तरफ से कुछ क्लेम्स किए गए हों, उन्हें अगर वेरीफाई करना हो, तो इस सारी चीज़ों में इस वॉचमैन का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और कोराबोरेट किया जा रहा है बाकी लोगों के स्टेटमेंट के साथ।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास मुस्तफा में। सहयोगी शम्स ताहिर खान लगातार बने हुए। शम्स, आप बता ही रहे थे कि किस तरीके से अभी कहना जल्दबाजी होगी कि कौन गवाह है और कौन इस मामले में प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बदला है, जिस तरह से तेजी से चीजें बदल रही हैं, शौविक को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, रिया के पिता को ले जाया गया है घर, वहां से नौकर की चाबी मांगी गई है, ऐसे में आज रिया का समन संभव है? क्योंकि लगातार 3 दिन से यही बात सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती को आज बुलाया जाएगा, आज बुलाया जाएगा। कहां अभी कसर बाकी है कि अभी तक उन्हें समन नहीं भेजा गया? चक्रवर्ती का नंबर कब आएगा, लेकिन लगता है कि शुरुआत आज हो गई है नेहा, क्योंकि एक तरफ शौविक चक्रवर्ती, दूसरी तरफ पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और अब कभी भी शायद रिया चक्रवर्ती भी। इसलिए कि यहाँ पे संबंध का मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिया और आप एक 24 घंटे 48 घंटे बाद का वक्त है। उनको ऑलरेडी जब सीबीआई की टीम मुंबई में जब कदम रखी थी उसी वक्त ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि आपसे कभी भी पूछताछ हो सकती है, आप मुंबई नहीं छोड़ेंगे, मुंबई में रहेंगे और जब भी जहाँ आपको बुलाया जाएगा आपको आना होगा, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम तैयार हैं। अब मुझे लगता है कि पहले अभी शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ होगी जैसे बाकी विटनेस से हुई, मुझे लगता है उसके जरिए कुछ अहम इन्फॉर्मेशन लेने के बाद एक ग्राउंड तैयार होगा और फिर रिया चक्रवर्ती सामने आएंगी, क्योंकि अभी दो तो आ चुके हैं, इसमें एक नामजद उनकी माँ भी हैं तो संध्या चक्रवर्ती, तो बहुत मुमकिन है कि संध्या चक्रवर्ती से भी सीबीआई ज़रूर पूछताछ करेगी। तो कुल मिलाकर यह है कि आज कम से कम 7 दिन के बाद पहली बार चक्रवर्ती फैमिली के अंदर एक हलचल शुरू हुई, और ये सारी हलचल तब शुरू हुई जब रिया चक्रवर्ती ने अपनी सफाई में आज तक को इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू लगातार उसमें अपनी सारी बातें कही हैं, और अब उसके बाद हो सकता है सीबीआई इससे नाराज़ भी हो, इन लोगों से पूछताछ होगी और सीबीआई जो सबसे, क्योंकि अभी तक सारे विटनेस से बात हो रही थी लेकिन अब नामजद आरोपियों से बातचीत होगी, क्योंकि उसमें शौविक भी हैं, इंद्रजीत भी हैं, संध्या चक्रवर्ती भी हैं, रिया चक्रवर्ती भी हैं। तो अब सीबीआई पहला कदम ये रख रही है कि जितने नामजद आरोपी हैं, अक्यूज्ड हैं एफआईआर में, उनसे इंट्रोगेट किया जाए। बिल्कुल, अब ये लगातार देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन अब किस दिशा में और किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से अब पूछताछ किसी भी वक्त हो सकती है, जिस बात का जिक्र शम्स भी कर रहे थे कि जब सीबीआई की टीम मुंबई आई थी तभी ये उनको कह दिया गया था कि आप मुंबई छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन शम्स देखिए, इस बीच चाहे अखबारों में हो, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, सब जगह जिस तरह से खबरें चल रही हैं, जो जो नई बात सामने आ रही है, यकीनन ये खुद रिया चक्रवर्ती, उनका परिवार, उनके लॉयर्स ये सब कुछ देख रहे होंगे और इसके जवाब में उन्हें क्या आंसर देना है, क्या कहना है, उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर रिया चक्रवर्ती के वकील ये कहते हैं कि रिया ने जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिया, चाहे तो उनका ब्लड टेस्ट करा लिया जाए। और फिर कुछ समय बाद ही वो व्हाट्सएप चैट सामने आ जाता है जिसमें खुद रिया ये बता रही हैं कि ड्रग्स कैसे इस्तेमाल करना है, जिससे क्लियर समझ में आता है कि उन्हें कितनी जानकारी है इसकी। देखिए, इस पूरे चैट को देखें और जो डिलीट की आप बात कर रही हैं, आप ड्रग्स लें ना लें, लेकिन जो इसमें पूरी बातचीत है, आपके ड्रग पैडलर्स, ड्रग जो डीलर हैं उनके साथ, आपके रिश्तों को का वो खुलासा करती है। तो बैन ड्रग्स और ख़ासतौर पे ऐसे ड्रग्स के बारे में अगर आप बातचीत करते हैं, सौदा करती हैं, ख़रीदती हैं, बेचती हैं, तो ये कानूनन जुर्म है और इसमें बाकायदा सज़ा है, जिसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बाकायदा यहाँ पर पहुँचेगी। तो ये जो डिलीटेड चैट है, या आप इस सुशांत सिंह की मौत के रहस्य से अगर साइड कर दें, तो ये भी अपने आप में एक जुर्म है, और इस जुर्म के लिए अगर साबित हो जाए तो इसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इन लोगों को सज़ा भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। मैं इसको दूसरे केस की तरफ देख रहा हूँ, ये सिर्फ नारकोटिक्स जो है उसके कानून के जद में, तो इसीलिए इस चैट को डिलीट करना शायद उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये पुख्ता सबूत उनके खिलाफ होता, लेकिन शायद वो भूल गई कि जो टेक्नोलॉजी है आजकल वो सारी ऐसी चीज़ों को रिट्रीव करा लेती है, ऐसे सारे सबूत सामने आ जाते हैं। तो मुश्किल ये है कि एक तरफ सुशांत की मौत की जाँच, उसका सामना करना है, लेकिन अब नई चीज ये है कि आपको ड्रग्स के बारे में भी सफाई देनी है, कि ड्रग्स के साथ हमने सुबह दिखाया था किस तरीके से सुशांत मामले में पिता के सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि रिया लंबे वक्त से सुशांत को जहर दे रही थी, गिरफ्तारी की उन्होंने मांग उठाई। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। और आइए अब आपको ये सुनवाते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उनके वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो रिया का इंटरव्यू आया है वो उनकी बात में पूरी भी मान लो तो उसमें दो बड़े अहम बात आते हैं। एक तो बात यह है कि अगर कोई उनका इतना सीरियस मेंटल हेल्थ इशू था
तो उनको फिर परिवार को बताना चाहिए था कोई ऐसा मेंटल हेल्थ इशू, क्योंकि उनका तो कोई स्टेटस उनके साथ था नहीं, वो राजा के साथ रहना चाहती थी लेकिन रानी नहीं बनना चाहती थी। तो इसलिए ये इस तरह का जो व्यवहार होता है ना कि आप जितना फायदा उठाना चाहिए उठा लीजिए, लेकिन जब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आए तो उस समय छोड़ करके भाग जाइए। तो इसलिए अगर मैं उनकी सारी बात भी मान लूँ तो उनको परिवार को बताना चाहिए था कि ये इतना बड़ा मेंटल हेल्थ इशू उनका स्टार्ट हो गया है। और पिता जब SMS किया, पिता ने कहा कि हमको बात कराओ, हमको बताओ क्या है, तो उनको बताना चाहिए था। उसके बाद जब उन छोड़ने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया, तो कम से कम एक प्रॉपर हैंडओवर करना चाहिए था किसी परिवार वालों को, बता करके कि भाई ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये दवाइयाँ चल रही हैं, इनका ये एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए तो एक तरह से उन्होंने अपना जो हमारा केस है उसको एक तरह से उन्होंने सिद्ध कर दिया इस इंटरव्यू के द्वारा। फिलहाल रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे यहाँ से कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।